बचे हुए 70 सीटों के आज मतदान होना है और ये प्रजातंत्र का महापर्व है और छत्तीसगढ़ में पर्व मनाने की परंपरा है। हम हरेली मनाते हैं, तीज मनाते हैं, छेरछेरा मनाते हैं, होली और दीपावली भी मनाते हैं। और ये दीपावली पर्व तो भगवान राम जब लंका विजय करके आए थे तो दीपोत्सव के रूप में हम मनाते हैं। और भगवान राम का तो ननिहाल है, माता कौशल्या की मायके है, तो ये खुशी हमारे लिए बहुत बढ़ जाती है। और हमारे छत्तीसगढ़ है, वो छत्तीसगढ़ के लोग हैं उत्सव धर्मी लोग हैं। कोई महीना कोई पखवाड़ा नहीं जाता जिसमें कोई न कोई तीज त्यौहार हो। प्रकृति के साथ मस्त रहने वाले लोग, उन्मुक्त जीवन जीने वाले लोग। आज आप मतदान करेंगे तो इस आपके एक वोट किसानों के, मजदूरों के, महिलाओं के, युवाओं के भविष्य तय करेगा। छत्तीसगढ़ किस रूप में आगे बढ़ेगा ये भी आप इस मतदान से तय होगा। तो साथियों, मतदान करने अपने घर से अवश्य निकलिए, मतदान केंद्र पहुंचिए और मताधिकार का प्रयोग करें और छत्तीसगढ़ को सजाने संवारने के लिए आप मतदान करें। सर, किन मुद्दों पे आज जनता, छत्तीसगढ़ की जनता वोट करेगी, सर क्या लगता है? छत्तीसगढ़ की जनता मतदान करेगी, जो किसान है वो ऋण माफी पे, 3200 रुपया क्विंटल धान खरीदी पे और 20 क्विंटल धान पे मतदान करेगी। जो हमारे लघु वनोपज संग्राहक है, तेंदुपत्ता संग्राहक है, वो 6000 रुपये प्रति मानक बोरा के दर से जो खरीदी की घोषणा हमने की है और 4000 रुपया बोनस प्रति वर्ष। तो युवा है और छात्र हैं जो वयस्क हो चुके हैं, वो केजी से लेके पीजी तक फ्री एजुकेशन पूरे देश में पहली बार हो रहा है, इसलिए मतदान करेंगे। और मजदूर है, पूरे देश में पहला राज्य छत्तीसगढ़ जिसमें 7000 रुपया वार्षिक हम दे रहे थे, अब 10000 उसको मिलेगा, इसलिए मतदान करेंगे। और महिलाएं हैं जो स्वावलंबन की ओर छत्तीसगढ़ में हमारी माताएं बहनें बढ़ रही है, अब वो सालाना 15000 रुपया उसको छत्तीसगढ़ गृहलक्ष्मी योजना के लिए मतदान करेगी।